हाय, मेरा नाम राहुल है, मैं शिमला से आया हूँ। आज मेरी फर्स्ट पीआरपी है। मेरा ट्रांसप्लांट पिछले महीने की 9-10 तारीख को हुआ था और फिर आज मेरा फर्स्ट पीआरपी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आज मेरी जो फर्स्ट पीआरपी है उसमें जो मेरा वन मंथ का जो एक्सपीरियंस है कि बहुत ही अच्छा है। जब मैं स्टार्टिंग में आया था थोड़ा नर्वस था कि कैसे ट्रांसप्लांट होता है, इसमें कितनी पेन होती है, बट यहाँ पे जो स्टाफ है, जिस तरीके से उन्होंने केयर की, जिस तरीके से उन्होंने समझाया डॉक्टर्स ने, जो हेयर लाइन जो मेरी डिज़ाइन की, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इस महीने में पूरी जब भी हमें जो फर्स्ट वीक होता है, जो इनिशियल फर्स्ट वीक होता है ट्रांसप्लांट का, उसमें थोड़ा हमें केयर ज़्यादा करनी पड़ती। इसलिए टीम की तरफ से हर दिन मैसेज किया जाता था, आपको हर दिन बताया जाता था कि आपने क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, अपने हेयर्स की किस तरीके से केयर करनी है। और ये जो पूरे मंथ है, जो आज मेरी फर्स्ट पीआरपी है, जिसलिए उसमें मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो काफ़ी अप टू द मार्क रही है। जो ये मेरा बॉल्डनेस स्टार्ट हुआ था, ये 5-6 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद सर मैंने थोड़े कैप पहनना स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से हेयर काफ़ी थिन होना स्टार्ट हो गए थे और उसकी वजह से थोड़े थोड़े झड़ने लगे थे। तो फिर मैंने एक QHT की वीडियोज़ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए देखना स्टार्ट किया यूट्यूब पे। फिर मुझे पता चला, जब मैंने QHT के बारे में देखा, अलग अलग क्लिनिक्स के बारे में भी देखा, जैसे दिल्ली में हो गया और बाकी जगह मुंबई, चेन्नई, सारे क्लिनिक्स देखे। फिर मैंने QHT के बारे में देखा, फिर बहुत सारे इनके रिजल्ट्स थे जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लगे। उस वजह से मैंने ये वाले इस क्लिनिक को चूज़ किया। फिर उसके बाद जब मैंने अपनी ये हेयर थिन जब हो रहे थे, तो मैंने उस टाइम डॉक्टर से कंसल्ट किया। फिर उन्होंने मेडिसिन सजेस्ट की, थोड़ी होम रेमेडीज़ जो कि यूट्यूब में उपलब्ध होती है उसको देखा, बट उसका कोई असर नहीं होता। जो बाल जा चुके हैं वो रीग्रोथ नहीं हो सकते, उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ ट्रांसप्लांट। तो उसके लिए फिर मैंने ट्रांसप्लांट ही चूज़ किया। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट इसलिए चूज़ किया क्योंकि दिस इज़ अ परमानेंट सॉल्यूशन। बाकी चीज़ें आप पैच यूज़ करते हो, आप बाकी कोई भी मेडिसिन लेते हो, उसका वो सिर्फ आपको एग्जिस्टिंग हेयर्स को ठीक करने के लिए हो सकती है या उस बॉल्डनेस को रोकने के लिए हो सकती है, बट जो आपके हेयर्स जा चुके हैं उसके लिए ये चीज़ें नहीं यूज़ हो सकती, जो आप मेडिसिन लेते हो या होम रेमेडीज ले सकते हो। सो इस वजह से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट प्रेफर किया था कि ये परमानेंट सॉल्यूशन बने। QHT को मैंने इसलिए प्रेफर किया क्योंकि मैंने इनके यूट्यूब पे रिजल्ट्स देखे। फिर मैंने डॉक्टर से बात की, इनकी जो टीम है उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा होता है। इनिशियली जब मैं यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया था, तो मैंने यहाँ पे स्टाफ का बिहेवियर देखा। उस टाइम मैं काफ़ी नर्वस भी था, थोड़ा एक्साइटेड भी था कि शायद इससे कुछ नया होगा, मेरे कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ट होगा इससे जो मेरे हेयर्स गए, जिस वजह से मैं थोड़ा डीमोटिवेट या थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर रहा था। उसके बाद सर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। जो भी यहाँ पे डॉक्टर्स थे उन्होंने बताया कि आपको किस तरीके से क्या क्या होगा, आपको उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया था कि आपको क्या क्या फेस इसमें देखने पड़ेंगे आपको हेयर ट्रांसप्लांट में। तो मैं उनकी बात पे ट्रस्ट करके फिर मैंने ये वाले क्लिनिक चूज़ किया। और यहाँ का स्टाफ, हाइजीन, इट्स अप टू द मार्क। जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मुझे OT भेजा गया, तो उसमें वहाँ पे हम जो सबसे पहले एक्सपीरियंस होता है, आप सबसे पहले देखते क्लीनलीनेस, और यहाँ की क्लीनलीनेस बहुत ही अच्छी थी। मेरा एक्सपीरियंस जब मैं फर्स्ट टाइम ऊपर गया था, OT गया था, तो वहाँ पे क्लीनलीनेस बहुत अच्छी थी। जो वहाँ पे नर्स थी, जो वहाँ पे जो आपको लेके जाते आपके क्लोज चेंजिंग से लेकर OT तक, वो बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे पहले आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, फिर आपको डॉक्टर्स पूछते हैं कि आर यू कम्फर्टेबल और नॉट, इट्स अप टू द मार्क दैट वे। और सर इसमें थोड़ा मुझे जो इनिशियली लगा कि मुझे पेन से काफ़ी ज़्यादा वो था कि शायद पेन होता होगा, कैसा होता होगा, तो उतना पेन नहीं होता है, मतलब लिटिल बिट तो होता है, थोड़ा सा होता है, बट फिर जैसे एनेस्थीसिया का असर धीरे धीरे कम होने लगता है, उसके बाद आपको हल्का सा पेन महसूस होता है। पर जब आप डॉक्टर्स को कहते हो कि सर थोड़ा पेन हो रहा है, तो आपको फिर से एनेस्थीसिया देते हैं, उसके बाद आपको पूछते रहते हैं आपकी सर्जरी में बीच बीच में कि आपको पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो हम आपको एनेस्थीसिया फिर से देते हैं। अगर आपको पेन महसूस होता है तो आप खुद भी डॉक्टर से बोल सकते हो, और डॉक्टर बहुत सपोर्टिव होते हैं इसमें कि अगर आपको पेन महसूस हो रहा है तो आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। और जब आप बीच बीच में रिफ्रेशमेंट के बारे में पूछ रहे थे, और क्या बोलते, बीच में आपको वॉशरूम जाना है, तो उसके लिए भी कोई वो नहीं था, आप जा सकते हो आराम से। मेरे यहाँ पे 2500 ग्राफ्ट लगे थे, जो कि QHT टेक्निक से लगे थे। ये इस टेक्निक में आपके एक्सट्रैक्शंस और जो लगाने की
प्रोसेस होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। इस वजह से मैंने क्यू एच टेक्निक चूज़ की थी ताकि आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट बहुत अच्छा जाए, और क्या बोलते हैं इसमें, ताकि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। जब मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई उसके बाद मुझे ऐसा कोई भी पेन महसूस नहीं हुआ और ना ही कोई स्वेलिंग ज़्यादा महसूस हुई, हल्की सी आई थी आई थिंक थर्ड या फोर्थ डे तक। फिर उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल है बिल्कुल लिटिल बिट। फिर फिफ्थ डे में फिर मेरा हेड वॉश हुआ, तो इन्होंने QHT टीम ने मुझे कहा था कि आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे कि आपको सनलाइट में नहीं जाना है, आपको जब भी आप वॉशरूम जाओगे तो आपको अपने सर्जिकल कैप पहन के जाना है, क्योंकि आपके इनिशियल वीक में इन्फेक्शंस का डर होता है वो ज़्यादा होता है, और आपको कोई भी हैवी वर्कआउट नहीं करना है एटलीस्ट 1 month और 45 डेज का। जो भी इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी, जो कि पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस होती है, वो मैंने पूरी फुलफ़िल की थी। और यहाँ का फॉलोअप, जो हर दिन के अपडेट के लिए इनका मैसेज आता है कि आपने आज क्या किया, और हर एक दिन आपके फर्स्ट डे से लेकर पूरे वीक, फिर उसके बाद आई थिंक 1 month हो गया है, मैंने हर दिन अपनी अपडेट दी है कि आपको कैसे हेड वॉश करना है, आपकी हर दिन की क्या क्या हो, आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। और पोस्ट फॉलोअप बहुत ही अच्छा था कि इनका मैसेज आता था, कॉल्स आती थी कि आपने आज क्या किया, आपकी डाइट क्या है, और आपने किस तरीके से केयर किया, आपको किस तरीके से अपना हेड वॉश करना है, विच जैसे हेड वॉश में होता है कि आपको सर्कुलर मोशन पे अपने उससे वॉश करना पड़ता है, इनिशियली आपको बिल्कुल लिटिल लिटिल किस तरीके से आपको, वो सारा इन्होंने टीम ने मुझे बताया मैसेज के थ्रू भी और कॉल के थ्रू। अभी मेरा श्रेडिंग फेज चल रहा है और मैं अपने रिजल्ट्स के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट पीआरपी में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।